नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। 5 लुटेरी महिलाएं गिरफ्तार, कब्जे से सोने का नेकलेस बरामद। कांकेर एसपी शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुराग झा के पर्यवेक्षण में थाना कांकेर पुलिस द्वारा चलती बस में सोने के नेकलेस स्नैचिंग करने वाले 5 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उक्त संदिग्ध महिलाओं की पतासाजी प्रारंभ किया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। रात्रि में संदिग्ध महिलाएं मकड़ी चौक पास एक टाटा मैजिक वाहन में सवार होकर कांकेर की ओर आती दिखाई देने पर कांकेर पुलिस टीम द्वारा उक्त संदिग्ध महिला आरोपियों का फॉलो अप करते पतासाजी प्रारंभ किया। पतासाजी के दौरान महिलाएं बस स्टैंड कांकेर में एक साथ बस के इंतजार करते मिली, जिनसे पूछताछ किया गया। संदिग्ध महिलाएं पुलिस को गोलमोल जवाब देकर बच निकलने का प्रयास करती रही, पर पुलिस द्वारा दक्षता से पूछताछ कर संदिग्ध महिलाओं की तलाशी कराई गई। तलाशी में 5 महिलाओं की संयुक्त आधिपत्य के बैग के अंदर तंबाकू की डिब्बे में छुपा कर रखा हुआ प्रार्थिया से लूटा गया सोने का नेकलेस बरामद हुआ। 5 आरोपी महिला के द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति करने और उनके संयुक्त आधिपत्य से लूटी गई सोने की नेकलेस बरामद होने पर आरोपी ठुठो बाई गिरी गोस्वामी पति स्व मुन्ना गोस्वामी उम्र 40 वर्ष, लोहरीन बाई गिरी गोस्वामी पति हरिनाथ गिरी गोस्वामी उम्र 45 वर्ष, 3 राम बाई गिरी गोस्वामी पति हरिनाथ गिरी गोस्वामी उम्र 38 वर्ष, दूज बाई गिरी गोस्वामी पति सुरेश गिरी गोस्वामी उम्र 30 वर्ष, अंजलि गिरी गोस्वामी पति मनोज स्वामी निवासी ठेहाईभाटा थाना बैंगो जिला कोरबा छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार की गई आरोपी महिलाएं जिला कोरबा के क्षेत्र की रहने वाली है।